हम बात कर रहे हैं IRCTC की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल छोटा मोटा अपसाइड स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। इस अपसाइड के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक 942.50 पैसे पर ट्रेड करते नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों में एक रेंज में काम कर रहा था, काफ़ी दिनों से 940 के लेवल पर रिजेक्शन फेस कर रहा था। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 940 का ब्रेकआउट, और 940 के ब्रेकआउट के साथ इसके ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा डिस्कस इससे पहले वीडियोस में हमारा हुआ था। और देख सकते हैं स्टॉक ने 940 का लेवल ब्रेकआउट किया है, इसके ऊपर अब सस्टेन होता नज़र आ रहा है। गिरावट आ रही है तो 940 का लेवल इसके लिए अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा। पहले मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था, मल्टीपल टाइम हम देख सकते हैं 940 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है, तो अब ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा नीचे की ओर IRCTC के लिए, और ब्रेकआउट करके सस्टेन भी होता नज़र आ रहा है। अब 940 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, ब्रेकडाउन कर गया तो 930 और अगेन फिर 920 तक का फॉल दिखा सकता है, लेकिन इस दफ़ा चांस बने हुए अप ट्रेंड के, क्योंकि देख सकते हैं स्टॉक ने एक रेंज में कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट दिया है, और जब कंसोलिडेशन जोन के बाद अपने रेंज को ब्रेकआउट करता है तो वैसे कंडीशन में फिर तेज़ी के चांस बनते हैं। तो ब्रेकआउट दिया है यहाँ से स्टॉक ने IRCTC ने, तो इमीडिएट टारगेट आप देखने के लिए मिलेगा। पहले कहाँ सपोर्ट लिया करता था, 960 का लेवल इमीडिएट टारगेट है, और 960 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो 980 से लेके 1000, जहाँ से 1000 की लेवल से 1000 की लेवल से देख सकते हैं हमने रिजेक्शन फेस करके गिरावट दिखाई थी, तो यहाँ तक के टारगेट यानी 1000 तक के टारगेट आप IRCTC हमको शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है। अब यहाँ एक मौका बन सकता है, यहाँ से अब हमको रैली देखने के लिए मिल सकती है, तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, 1000 तक का भी जंप हो सकता है स्टॉक शॉर्ट टर्म में ही दिखाए। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।